नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतास में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना दावत थाना क्षेत्र के मलिया बाग की बताई जा रही है, जहां एक बाइक एजेंसी में चोरों ने रोशनदान तोड़कर 4 लाख से अधिक रुपए तथा अन्य सामान चुरा लिए। एजेंसी संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी तो कुछ सब कुछ ठीक दिख रहा है। पैसा नीचे चोरी हुआ है और ऊपर चोरी हुआ है। कितना पैसा हुआ? पैसा जैसे हम कल 4 लाख रुपया लेके आए थे। अच्छा, मतलब किसी और जगह से, तो वो पैसा हम रख दिए थे बैंक, मतलब कल लेट हो गया था तो बिलिंग के लिए लाए थे, और कुछ पैसा मान के चलिए कि लगभग 6-7 हज़ार रुपया ऊपर नीचे मिल के और था। ठीक ठीक, तो लगभग 4,06,000 मान के चला जाए, मतलब राशि चोरी हुई। और महमदपुर नरसंहार मामले में आक्रोशित राजपूत कर्णी सेना ने मामले के मुख्य आरोपी प्रवीण झा के गांव में जमकर तांडव मचाया है। कर्णी सेना ने प्रवीण झा और पड़ोसियों के घर में बम मारकर आग लगा दी, जिसके बाद गोविपुर गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार कर्णी सेना के लोगों ने प्रवीण झा के बुजुर्ग दादा दादी से भी मारपीट की है। यहाँ पर कोई बहुत ऐसी वारदात बहुत बड़ी नहीं हुई है। पंडित तत्वों के द्वारा एक चलता हुआ कपड़ा भोला सिंह के घर की तरफ फेंका गया था, जिस कपड़े पर जिससे थोड़ा आग लग गया था, जिसे वहाँ पर उपस्थित बलों के द्वारा और फायर ब्रिगेड के द्वारा तुरंत बुझा दिया गया। मधुबनी के महमदपुर गांव में हुए सामूहिक हत्याकांड के परिजनों से मिलने सैकड़ों वाहनों के साथ कर्णी सेना का काफिला महमदपुर गांव पहुंचा। पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित अन्य लोगों ने दुख व्यक्त करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके बाद कर्णी सेना के संस्थापक ने कहा कि यहां जो घटना घटी है काफी दुखद है। विशेष तौर पर जो पोते पोती हैं सुरेंद्र सिंह जी के और राणा प्रताप के जो बेटे बेटी हैं और जो महन जी के, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं और आज ओम शांति शांति। मुजफ्फरपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूघाट बांध रोड का है, जहां एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप मृतका के पति पर लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की जाँच करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमको 4 बजे के आसपास फोन गया है कि से ऐसे ऐसे कुछ घटना हो गया। हम आए तो पता चला कि से हमारी बहन डेथ कर गई हुई है, और जो उनके पति राजेश कुमार हैं वो हमको बोले कुछ और बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के कुशहर गांव में दहेज के खातिर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। बीती रात बबलू बिंद की पत्नी आशा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। शादी का टाइम से भी बच्ची का मोटरसाइकिल भी दे दिए, नहीं तय था, फिर भी उसको बाद भी और रुपया मांग रहे थे। क्या लग रहा है, कैसे हत्या हुआ? गला दबा के जान मार दिया है। अररिया में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर मास चेकिंग अभियान चलाया गया। जो भी लोग कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए नजर नहीं आए, उनका चालान काटा जा रहा है। यह मास चेकिंग अभियान जिला पदाधिकारी के निर्देश पर चलाया गया है। अररिया के चातर गांव में पोस्ट ऑफिस शाखा का सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और डाक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर सांसद ने पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खाता का वितरण भी ग्रामीणों के बीच किया। इस मौके पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि आज पोस्ट ऑफिस न केवल चिट्ठी पत्र तक ही सीमित कर रह गया है, बल्कि इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। देखिए, यहाँ पे ये सुदूर गांव है चातर, और यह सुदूर गांव में आज डाकघर खुला है। यह डाकघर से ग्रामीणों को फायदा होगा। डाकघर अब वो डाकघर नहीं रहा, अब हाईटेक हो गया।
यहाँ पे खाता खुलेगा। पहले डाकघर में चिट्ठी पत्री हुआ करता था, अब यहाँ सब व्यवस्था हो गया। अब डाकघर में अभी देखा ना कि सुकन्या समृद्धि योजना का बच्चियों का जो है खाता खुला। मधुबनी हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजन शनिवार को गया पहुंचे। परिजनों ने फाल्गु नदी स्थित देवघाट पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, साथ ही पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान देवघर घाट पर माहौल काफी गमगीन रहा। पिंडदान के बाद मृतक के बेटे हर्ष सिंह ने बताया कि उनके पिता की हत्या गोली मारकर कर दी गई। अन्य कई लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा परिवार दुखी है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि घटना में शामिल दोषियों को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस दौरान वहां राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक शेर सिंह राणा भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जनता को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों को इंसाफ नहीं मिला है। हर मृतक के परिवार के व्यक्ति को एक एक करोड़ रुपया, हर मृतक के हिसाब से एक सरकारी नौकरी और उनके जीवन की हिफाजत के लिए जो है परमानेंट एक सुरक्षा व्यवस्था उनको उपलब्ध करवाई जाए। इसमें करीब अभी 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और टोटल करीब 35 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र स्थित MHM महाविद्यालय में वेबिनार का आयोजन किया गया। वर्तमान परिवेश में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में औषधीय पौधों की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार का विधिवत उद्घाटन भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर R.K.P. रमन ने की। महाविद्यालय MHM कॉलेज सोनवर्षा ग्रामीण परिवेश में अवस्थित है और ग्रामीण परिवेश में वेबिनार का होना बड़ी कठिन बात होती है और इसको हम लोग ऐतिहासिक रूप दे रहे हैं, क्योंकि वेबिनार का आयोजन का उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर R.K.P. रमन ने किया, जो कि वैक्सीनेशन लेने के बाद बीमार चल रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने सही समय पर आकर इसका इनॉग्रेशन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने बयानों से जिले के सुर्खियों में रहे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव रतन कुमार ने फिर एक बार मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कोरोना वैसे ही जगहों पर रहता है जहां चुनाव नहीं है। बता दें कि बीते दिन बिहार सरकार द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। स्कूल कॉलेज एक हफ्ते तक बंद रहेंगे और साथ ही धार्मिक स्थल को भी अगले आदेश तक बंद रखना है, जिसको लेकर युवा राजद के देश सचिव रतन कुमार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रचार मंत्री दिन भर बंगाल में चुनावी सभा करते हैं और शाम को आकर ट्विटर पर मुख पर गमछा लगाकर सामाजिक दूरी बनाने को लेकर लोगों से अपील करते हैं। गाइडलाइन जारी की है, कैसे इसको देख रहा है? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर दुगनी रफ्तार से देश के कई राज्यों में एवं अब बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने आदेश दे दिया है कि 7 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी, मंदिर मस्जिद एवं धार्मिक सभी स्थलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। पटना से सटे नेहुरा में ऑटो और कार में भीषण टक्कर हो गई और इसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता देकर यातायात को सामान्य कराया। जाम हट गया क्या? जाम हटाया गया या नहीं? जाम हटाया जा रहा है, घर से दावा के लिए जा रहे थे सर। अच्छा, तो रोड एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? बेला में हुआ है। कितने लोग की जख्मी या कितने लोग मौत है, क्या इसमें कुछ
दोनों पनारी जा रहे थे सर, तो अपना एक व्यक्ति स्पॉट डेथ हो गए और जो थे से माने सीरियस में है तो हॉस्पिटल में। कोरोना संक्रमण को लेकर मसौढ़ी में सब्जी मार्केट में सब्जी विक्रेता सजग दिखे, वहीं कुछ लोगों को छोड़कर सभी के चेहरे पर मास्क दिखा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय ने। हम लोग गरीब आदमी है, प्याज बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। कोरोना प्रवेश हो चुका है मसौढ़ी में, तो आप क्या उसका अनुपालन करेंगे? पालन तो करेंगे, सरकार के बातों का पालन तो कर ही रहे हैं कि मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं। 7 बजे सब्जी दुकान संजौगी बाजार में कहाँ के निकलते हैं सर, 7 बजे बंद हो जाएगा तो हम नहीं बेचेंगे कहीं सर। क्या बेच रहे हो जी? सब्जी बेच रहे सर, लॉकडाउन लगा देगा तो फिर गरीब आदमी मर जाएंगे सर। यहाँ आदेश हुआ था बंद करना ही पड़ेगा, तो लेकिन हम लोग तो मास्क वास्क लगा कर बैठे हुए रहते हैं। इसमें हमारे राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि छोटो 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 व्यापारियों को लॉकडाउन के प्रति ले जाने पर उनकी बाल बच्चे परिवार का भुखमरी का कगार पर पहुँच रहे हैं। और इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।